हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े मिथ के बारे में। और ये सबसे बड़ा मिथ क्या है? एक्यूरेसी रेशियो। जी हाँ, एक्यूरेसी रेशियो कितनी है आपकी, कितने परसेंट कॉल्स सही जाते हैं, यही सब लोग पूछते हैं ना ट्रेडर्स को या जो आपको रिकमेंडेशन देता है उनको। तो आज हम ये सबसे बड़ा मिथ ब्रेक करेंगे कि आपको ट्रेडिंग अगर प्रॉफिटेबल करनी है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हाई एक्यूरेसी रेशियो होनी चाहिए। मैं ये आपको प्रूव करके बताऊंगा कि 30% एक्यूरेसी रेशियो पे भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अब एक्यूरेसी रेशियो को आइसोलेशन में देखने का कोई मतलब नहीं बनता। आपकी एक्यूरेसी रेशियो चाहे 90% हो या चाहे 20% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पिक्चर में नहीं आता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और एक्यूरेसी रेशियो तो खैर आपको जानते ही है, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक्सेल शीट पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि एक्यूरेसी रेशियो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या तालमेल है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक्यूरेसी रेट और एक्यूरेसी रेशियो, विच इज़ नथिंग बट के आपने जितने भी टोटल ट्रेड्स किए उसमें से आपके कितने परसेंटेज ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है। तो ये एक्यूरेसी रेशियो कैलकुलेट करना बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए कि आपने टोटल 10 ट्रेड किए, इस 10 में से 5 ट्रेड आपके सही जाते, प्रॉफिटेबल होते, तो आपकी एक्यूरेसी रेशियो क्या बनेगी? 50% बन जाएगी। अब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको आपका रिवॉर्ड क्या है और आपका रिस्क कितना ले रहे हो वो रिवॉर्ड कमाने के लिए, ये हम मेजर करते हैं। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है, आपका जो भी टारगेट प्राइस है माइनस एंट्री प्राइस अगर आप करोगे तो आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा, और आपकी एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस करोगे तो आपका रिस्क मिल जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपका टारगेट प्राइस 120 रुपये का है किसी स्टॉक के लिए और आपका एंट्री प्राइस है 100 रुपये का, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 95 रुपीस का है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा दैट विल बी 120 माइनस 100 विच विल गिव यू 20, और 100 माइनस 95 विच विल गिव यू 5 रुपीस। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा दैट विल बी 20 डिवाइड बाय 5 विच विल बी 4। तो 1 रुपी इज योर रिस्क एंड 4 रुपीस इज योर रिवॉर्ड, तो 4 डिवाइड बाय 1 विल अगेन गिव यू 4। तो 4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक्यूरेसी रेशियो, इन दोनों का क्या तालमेल है, कैसे हम इनको देखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और मान लेते हैं कि आपकी एक्यूरेसी रेशियो केवल 50% है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। सो एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं कि अगर 50% ट्रेड आपके सही जा रहे हैं और 50% ट्रेड आपके गलत जा रहे हैं, तो सिंपल से लॉजिक के हिसाब से सोचते हैं कि आपको मिनिमम ब्रेक इवन होने के लिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना होना चाहिए। तो 1:1 का होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 1 रुपया कमा रहे हो तो 1 रुपया गवा भी रहे हो, तो नेट नेट आपको ब्रेक इवन के लिए आपका जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 1:1 का होना चाहिए। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आपकी एक सिंपल सी फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होने पे कितना आपकी एक्यूरेसी रेशियो होनी चाहिए और कितनी एक्यूरेसी रेशियो होने पे कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। तो चलिए ये हम आगे की एक्सेल शीट पर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिख कर रखी है। तो फॉर्मूला इज मिनिमम एक्यूरेसी रेट इज इक्वल टू 1/1 प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेट। तो इसे अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 2 का, तो आप 2 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया गंवाने को तैयार हो, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला में आपका जो 2 रुपये का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पे डालना है। तो द फॉर्मूला इज 1/1 प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो यहाँ पे 1+2 हो जाएगा विच विल बी 3, तो दैट विल गिव यू मिनिमम एक्यूरेसी रेट। तो आपको 33% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका एक्यूरेसी रेट 33% का है, मतलब मान लीजिए कि अगर आप 3 ट्रेड कर रहे हो और 33% मतलब कि एक ट्रेड में ही आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपका जो मिनिमम ब्रेक इवन वाला जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए, ताकि जो एक ट्रेड में आप 2 रुपया कमाओ और जो बाकी के 2 ट्रेड्स में आप 2 रुपया गवाओगे तो वो नेट नेट ब्रेक इवन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको उससे बेटर आपका एक्यूरेसी रेट होना चाहिए तो आप नेट नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे।
तो ये मैंने यहाँ पे एक इधर एक टेबल बना दिया है जो कि जिससे कि आपको ये पहचानना काफ़ी इजी हो जाएगा कि आपकी कितनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपका कितना एक्यूरेसी रेट होना चाहिए। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 का है, मतलब कि 1 रुपया कमाने के लिए आप 1 रुपया गंवा रहे हो, तो आपकी मिनिमम एक्यूरेसी रेशियो 50% होनी चाहिए टू ब्रेक इवन। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपकी एक्यूरेसी रेट इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 60% एक्यूरेसी रेट पे आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी पैसा बना सकते हो। और जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी रेट गिरती जाएगी, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी रेशियो खाली 20% है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू ब्रेक इवन मिनिमम 4 का होना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक्यूरेसी रेट पता है और आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है 1/ एक्यूरेसी रेट। तो मान लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी केवल 40% है, तो आपको कितना मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1/ एक्यूरेसी रेट। तो यहाँ पे 1/0.4 और 40%, तो आपका जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा दैट विल बी 2.5। तो अगर आप 1 रुपया रिस्क ले रहे हो तो आपका मिनिमम जो रिवॉर्ड है 2.5 रुपया होना ही चाहिए। तो आपको केवल ऐसे ट्रेड्स लेने चाहिए जहां पे आपको 2.5 टाइम्स आपके रिस्क का कमाने मिलेगा, इससे नीचे के जो भी ट्रेड्स हो गए वो आपको जाने देने चाहिए। तो आई एम श्योर ये ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा मिथ है कि हाई एक्यूरेसी रेशियो होने पे ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या फिर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ये ब्रेक करता है। मेरा ये वीडियो काफ़ी लोगों को शायद सरप्राइज करेगा, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि बहुत लोग ये गलत तरीके से बोलते हैं कि एक्यूरेसी रेट होना बहुत ज़्यादा होना बहुत ही अच्छी बात है या फिर ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो से आप देख सकते हो कि इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आपकी एक्यूरेसी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो, आप कम एक्यूरेसी रेशियो पे भी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट का आप स्नैपशॉट ले सकते हो और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी लगा सकते हो। मैंने एक और मैट्रिक्स बनाया है जो कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करेगा। दिस मैट्रिक्स विल अलाव यू टू सी कि आपको कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे कितना कहाँ प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ लॉस हो रहा है। एज यू कैन सी आउट हियर, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, तो आपकी अगर एक्यूरेसी जब तक 50% या उससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो 50% पे आप ब्रेक इवन करोगे और 60% पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर मान लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी रेशियो केवल 25% है, तो आपका जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट 1:3 का होना चाहिए, तो आप ब्रेक इवन कर पाओगे। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है 25% एक्यूरेसी रेशियो के साथ, तो आपको आपका जो ट्रेड्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:4 या 1:5 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। आई एम श्योर कि ये ऐसा मैट्रिक्स आपने शायद ही कभी और देखा होगा, तो इसका मैट्रिक्स का स्नैपशॉट लीजिए और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे रखिए, और ये हमेशा ही ट्रेड लेने से पहले इस मैट्रिक्स को ज़रूर देखें और फिर ही अपनी डिसीजंस ले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन दीज आर द थिंग्स विच विल मेक यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों पे वीडियोस चाहिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। हमारा लक्ष्य है कि हमें 1,00,000 लोगों तक पहुंचना है, जल्द से जल्द पहुंचना है, तो उस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी भी मदद कीजिए। थैंक यू।